हाय नमस्कार दोस्त, मैं हूँ नीतीश। आप देख रहे हैं नीतीश टेक ग्राफिक। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बुक या मैगजीन को A4 का जो होता है उसको आप सेंटर स्टेज कैसे अरेंज करते हैं। 76 पेज का एक मेरा बुक है तो उसको हम अरेंज करते हैं पोस्टस्क्रिप्ट में, तो देखते हैं। तो ये मेरा टेम्पलेट बना करके ऑलरेडी रेडीमेड हम रखे हुए रहते हैं कि हमेशा बनाने का उतना ज़रूरत नहीं हो। तो यहाँ पर पेज साइज ले लेते हैं 11.2 है, इधर से 8.5 रखते हैं। और यहाँ पर इस साइड में आप आकर के आप प्लेट का साइज, जो भी प्लेट है वो प्लेट आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम डोमिनेंट सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से एक बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऊपर नीचे करने से होगा कि ये प्लेट का सेंटर में आ जाता है। तो फिर हम इसमें जाएंगे, यहाँ पर जाकर के जो 2 पेज का जो माथा होता है, माथा बोला जाता है, तो उस पर आप 1.01 का जगह दे देते हैं क्योंकि कटिंग वगैरह जो बाइंडिंग होता है उस समय आराम रहे। तो यहाँ पर हम पेज साइज वगैरह डाल देते हैं, जितना पेज है वो है 76 पेज है वो डालते हैं। यहाँ पर परफेक्ट किया हुआ, इसको हम सैडल करेंगे, सेंटर के लिए सैडल होगा। अगर साइड स्टिच रहेगा तो उसके लिए परफेक्ट होगा। तो सैडल करके इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यस करेंगे। और यहाँ पर हम 10 नंबर पे जाएंगे और इसको वहीं इसको एक बार हम नहीं होता है तो क्योंकि काटना पड़ेगा क्योंकि अभी सब मेहती है, तो ये लास्ट में शायद हाँ 9.5, तो एक मेरा चरपेजी बन जाएगा। तो बीच का जो पेज है वो मेरा चरपेजी होगा। तो यहाँ एडिट में जाएंगे, क्रिप्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे, फिर से वहीं जाएंगे ले करके यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर जो है, जो नंबर डालेंगे तो सभी नंबर उसी, क्योंकि कागज़ पे हम मोड़ करके बीच का नंबर हम निकाल लिए हैं। तो आपका अगर मैनुअल याद है तो ठीक है, नहीं तो आप उसी तरीके से आप कागज़ मोड़ करके कागज़ पर निकाल देंगे, उसके बाद आप नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए गलती होने से अच्छा है कि आप एक बार सेटिस्फाइड हो लें बढ़िया से, उसके बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ना 2 बार। क्योंकि भाई जब गलती हो जाता है उसके बाद प्लेट निकल जाता है, प्रिंटिंग हो जाता है, तो उसके बाद कुछ नहीं होता है, वो नुकसान है, आपका भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है। तो इससे अच्छा है कि एक बार ना 2 बार आप सेटिस्फाइड हो लें, उसके बाद ये प्रक्रिया को आगे करें। तो ये सब मेरा हो गया है। तो क्योंकि सब 4 कलर का जॉब है, 76 पेज है, तो वो नेविगेटर में रिप हो गया है और रिप होकर के वो टहल रहा है, मतलब बोले तो पास कर रहा है। तो पास करेगा वो नेविगेटर के फोल्डर में आएगा और उसके बाद हम पोस्टरिप से इसको रिप करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो काफ़ी शायद लगता है कि टाइम लगने वाला है, तो तब तक इसको नहीं होता है तो हम स्किप कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पास हो गया है। तो अब हम यहाँ पर से देख लेते हैं, यहाँ पर सभी पेज आ गया है, तो सभी के सभी पेज आ गए हैं। हम यहाँ पर अंदर जाएंगे, यहाँ पर ब्राउज में जाएंगे, यहाँ पर जाकर के जो नाम से है, जो नाम से मतलब रिप हुआ वो नाम से यहाँ पर आता है, वो नाम हम एक बार देख लेंगे क्या नाम से है। तो वो पार्टी के नाम से है, वो पार्टी का नाम यहाँ पर हम सर्च करेंगे, उसमें डेट डाल देते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत होता है थोड़ा खोजने में। तो कोई बात नहीं, इसको हम खोज लेते हैं, खोज करके इसको हम यहाँ पर लाते हैं। तो पहले खोजते हैं क्या नाम से है, निक्सन, चलिए ठीक है। यहाँ न्यू किए हैं, ओके किए हैं, यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, आ गया। अब हम इसको पकड़ के यहाँ पर 1 नंबर पर छोड़ेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट सब ले लिया, 1 नंबर 76 नंबर ऊपर में आ गया इसी के सामने, ठीक है। एक बार ऊपर नीचे करके देख लेते हैं क्योंकि पेज का मतलब प्लेट का सेंटर में आना चाहिए, डोमिनेंट प्लेट का सेंटर में हम इसको किए हैं। यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर पे है इस पे चरपेजी आ गया, जो कि बीच का जो 4 पेज था वो। हम ये इस फाइल को सेव एज कर लेते हैं। तो पाथ जहाँ पर है इसका डेस्कटॉप पे इसका पाथ बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर इसको हम सेव करेंगे। भैया पहले से सेव है, अच्छा वो दूसरा वाला इसका जो था इसी नाम से हम सेव कर दिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसी पर रिप्लेस कर देते हैं। ओके अब सब कुछ ठीक है, एक नज़र मार लेते हैं, उसके बाद हम आउटपुट में जाएंगे। और यहाँ पर से हम जो भी कलर का, अगर 1 कलर का रहेगा 1 कलर, या 4 कलर का है तो 4 कलर, 4 कलर का यहाँ पर हम
ओके कर देंगे तो ये सारा प्लेट यहाँ से छूट जाएगा और ये हार्डवेयर में चल जाएगा। तो हम इसको आउटपुट में जाएंगे, एक बार सारी एक नज़र देख लेते हैं, उसके बाद छोड़ दिए। अब ये हार्डवेयर में हम एक बार इसको प्रीव्यू देख लेते हैं कि हाँ क्या कुछ भागा हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये पास हो जाएगा। तो हम पहले 4 पेजी को देख लेते हैं कि 4 पेजी जो हमने किया है वो ठीक ठाक है या गलती है, क्योंकि थोड़ा देख लेना ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि अगर गलती होने से अच्छा है कि आप एक न दो बार आप इसको बढ़िया से देख लें, क्योंकि भाई एक बार अगर गलती हो गया तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, उससे ज़्यादा फिर टाइम भी जाता है। तो इसीलिए हम एक काम को, बेशक हमको करने में एक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, मगर उसको हम बढ़िया से देख लेते हैं। तो चलिए सब कुछ ठीक है, ये पास हो रहा, तो उसी का एक और जॉब है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जो कि सिर्फ सिंगल जॉब है, ये बुक नहीं है, ये दूसरा फोल्डर है किसी चीज़ का, तो उस चीज़ का फोल्डर है जो कि ये भी प्लेट बनेगा। तो इसको भी हम अरेंज करके यहाँ पर ले आए हैं, यहाँ पर इसको पेज का सेंटर में करेंगे, यहाँ पर ग्रीपर पे ले आएंगे, उसके बाद इसको हम सेव करके इसको भी छोड़ देंगे, ये भी हार्बर में जाएगा। हार्बर से मतलब कि हार्बर से फिर ये टहल के मतलब कि वहाँ से फाइल ट्रांसफ़र होकर अंदर रवि का एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें चल जाता है, ठीक है। तो इसको हम ये पीछे का साइड हो गया, तो उस साइड से हम ग्रीपर दे दिए हैं, ये नीचे में आप जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो ग्रीपर होता है, तो 1.3 अट जाता है डोमिनेट का ग्रीपर, तो उसको मैं दे करके इसको सेव करके इसको हम इसको भी हम छोड़ देंगे, टहल जाएगा। उसके बाद इसको उठा करके मतलब कॉपी करके हम मशीन में डाल देंगे। तो ये मेरा मशीन का रिमोट है, तो हम उसको भी एक बार खींच लेते हैं, तो और भी मेरा जॉब है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए।